खड़ी है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। राहुल जी से 5 दिन पूछताछ करने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। अब सोनिया जी बीमारी की हालत में है, उसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए। किस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, लहू का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, इस देश को हजारों करोड़ का आनंद फोन दान कर दिया, उस पर चोरी का इल्जाम लगा करके नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। होश में आओ। नहीं चलेगी। देश में हिटलर शाही और तानाशाही का नया नाम ईडी शाही है। ईडी के जरिए विपक्ष की सबसे बड़ी जो पार्टी है, जिससे इनको डर लगता है मोदी जी को, उस पार्टी की आवाज को दबाने की साजिश है। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि आपने 5 दिन राहुल गांधी जी को उनसे पूछताछ की, लेकिन आप राहुल गांधी के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं ला सके। अब आप 75 साल की उम्र की बीमार महिला, जिन्हें अभी कोविड से उभरी है, वो पोस्ट कोविड उनको बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन उनको ईडी दफ्तर में बुला करके पूछताछ के नाम पे डराने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। जाहिर हुए तेरे मनसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तो हमें डरा मत जेलों से। जेलों से डराने की जो साजिश है कांग्रेस पार्टी, उससे डरने वाली नहीं है। हम इस समय थाने में कैद हैं, सारे सांसद यहां पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर हैं। हम इसी तरह से देश की हर जेल को, हर थाने को भर देंगे।